subscribe to my channel and hit the bell icon, so you never miss any video from my channel. कहते थे, अरे भाई हमारा बच्चा स्कूल जाता है, मैथमेटिक्स पढ़ता है, साइंस पढ़ता है, केमिस्ट्री और फिजिक्स और इतना सारा बोझ है उस पर, अब आप अलग से कह रहे हैं अरबी भी पढ़ाओ, कुरान भी सिखाओ, दीनियात भी पढ़ाओ, नन्ना सा बच्चा है, छोटा सा दिमाग है, कितना बोझ डालेंगे उस पर? कैसी नादानी की बातें, कैसी जहालत की बातें, कैसी शकावत की बातें! आपको अंदाज़ा नहीं हक़ सुबहानहू व तआला ने इंसानी बच्चों को कितनी बेपनाह सलाहियतें दी हैं, ख़ासतौर से बच्चों में बेपनाह सलाहियतें होती हैं, इन्हें अंडर एस्टिमेट ना करें, इन्हें नन्हा ना समझे। बच्चे हैं, नन्हे हैं, मगर इनमें बेपनाह सलाहियतें अल्लाह ने दी हैं। ये गलत नजरिए थे और हैं जहां भी हों। आपके सामने अब मैं मिसालें अर्ज करूं। आज ईरान में एक दो नहीं हजारों बच्चे ऐसे हैं, हजारों, जिन्होंने 5 से 6 बरस की जिंदगी, 6 बरस की उम्र के दरमियान पूरे कुरान को हिफ्ज कर लिया। और आप क्या समझते हैं, 5-6 बरस के बच्चे की तो आप बिस्मिल्लाह कराते हैं, मगर दीन के मामले में वैसे तो ये होता है कि 2.5 बरस का बच्चा हुआ और किसी किंडरगार्टन में हो, किसी नर्सरी में हो, प्री स्कूल में दाखिल करा दो ताकि ABCD याद करने लगे, अंग्रेज़ी ज़बान सीखने लगे, और अरबी या कुरान सीखने के लिए मुसीबत होती है। अभी नन्हा बच्चा है, आप क्या मुसीबत कर रहे हैं मौलवी साहब? अंग्रेज़ी सीखने के लिए नन्हा नहीं है। अल्लाह की किताब पढ़ने के लिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सीखने के लिए, कलिमा सीखने के लिए, नमाज सीखने के लिए अभी नन्ना है, बच्चा है, कमज़ोर है, ज़यीफ़ है, ज़्यादा बोझ न डालिए। गौर फरमा रहे हैं आप? ऐसा लग रहा है बारिश शुरू हो गई है, इसलिए मुझे देर तक पढ़ने का मौका मिल जाएगा। अंग्रेज़ी सिखाने के लिए 2.5 बरस 3 बरस में बच्चा हो या बच्ची स्कूल भेजने की तैयारी हो जाती है, काफ़ी फीस देकर भी। और कुरान के लिए सोचते हैं कि इतना बोझ डाल रहे हैं इस पर। ऐसी सैकड़ों नहीं हज़ारों मिसालें ईरान में मौजूद हैं। ये मैं क्यों मिसाल दे रहा हूँ? इसलिए कि अगर आप अपने बच्चों को अंग्रेज़ी के साथ, हिंदी के साथ संस्कृत भी पढ़ाएं, अरबी भी पढ़ाएं, और दुनिया की दूसरी ज़बानें भी पढ़ाएं, साइंस भी पढ़ाएं, मैथमेटिक्स भी पढ़ाएं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएं, तो हरगिज़ ये ना सोचें कि बच्चे के जहन पे बोझ पड़ेगा। अल्लाह ने बेपनाह सलाहियत बच्चों को दी है। सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का मसला है। खुद माँ बाप सलीके से ज़िंदगी बसर करते हो, माँ बाप के सोने उठने जागने सोने का वक्त सही हो, खाने पीने का वक्त सही हो, घर का निज़ाम सही हो, एक डिसिप्लिन हो, बच्चे की तरबियत करना जानते हो, बच्चे को परवान चढ़ाना जानते हो, बच्चे से मोहब्बत करना जानते हो, तो ये सब कोई मुश्किल नहीं है। तवज्जो है? आप में से हर जितने मेरे सामईन हैं, आपके हर घर में, हर आंगन में ऐसे बच्चे खेलते हुए मिल जाएंगे जो खेल भी खेल रहे होंगे, कुरान भी पढ़ रहे होंगे, खेल भी खेल रहे होंगे, नहजुल बलागा की भी पढ़ रहे होंगे, और साइंसी थ्योरम्स भी सॉल्व कर रहे होंगे। तरबियत की तरफ तवज्जो तो करें। और जो मैंने अर्ज किया, मुआमले का सही होना और इश्क मुर्तजा होना, उसके बाद जिंदगी में अगर सबसे बड़ा, खुदा की कसम, सबसे बड़ा कोई अमल साले है तो वो ये है कि आपके आगोश में जो बच्चा है उसकी सही तरबियत कर दें।
बच्चे की तरबियत छोड़ के नमाजें पढ़ेंगे, नमाजें आपके मुंह पर मार दी जाएंगी। बच्चे की तरबियत कीजिए, बेटे और बेटी की तरबियत कीजिए, और रोज अव्वल से उन्हें दुनिया के तमाम इल्म सिखाइए, दुनिया के तमाम हुनर सिखाइए, लेकिन दिल में बीज बो दीजिए इश्क़े खुदा और इश्क़े रसूल और इश्क़े अली का। जब बच्चे को भेजिए स्कूल और बच्चा कभी कहे, बच्चे तो बच्चे होते हैं, नहीं आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, तो उसे ये ना कहिए कि बेटा स्कूल नहीं जाओगे तो ख़राब हो जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, रोज़ी रोटी कैसे चलेगी। उसे उसी वक्त से कहिए, स्कूल नहीं जाओगे अल्लाह नाराज़ होगा। बेटा अल्लाह अल्लाह नाराज़ होगा, स्कूल ज़रूर जाना चाहिए, होमवर्क ज़रूर करना चाहिए, अल्लाह नाराज़ होगा। बच्चा पूछेगा अल्लाह कौन है, कहा अल्लाह वही है जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है इस दुनिया में। अल्लाह कौन है, भाई अल्लाह वही है जो तुम्हें रोटी देता है, खाना खाते हो नहीं है? खुदा की मोहब्बत पर और खुदा वालों की मोहब्बत पर बच्चों की तरबियत करें, कभी आपकी नस्लें जाया नहीं होंगी। खुदा की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत, अली की मोहब्बत पर जिन बच्चों की तरबियत होगी वो कभी नस्लें जाया नहीं हो सकती। और ये नारा मेरा नहीं है, तारीख और हदीस उठा के देखो, रसूलुल्लाह के सहाबी एक से ज़ायद मिक़दाद और अबू ज़र, मिक़दाद और अबू ज़र और अम्मार, इनका नारा होता था दीवानावार, गलियों में गुजरते थे, शहरों में जाते थे और कहते थे, अद्दबू औलादकुम अला हुब अली इब्ने अबी तालिब, अपने बच्चों की तरबियत अली इब्ने अबी तालिब की मोहब्बत पर करो। मदीने में, मक्के में, दिमश्क में, लुबनान में, जहां जहां हजरत अबू ज़र गए यही नारा होता था ज़बान पर, अद्दबू औलादकुम अला हुब अली इब्ने अबी तालिब, अपने बच्चों की तरबियत करो, अपने बच्चों को परवान चढ़ाओ मोहब्बत अली पर। क्या पैगाम था, क्या पैगाम था, खुदा की कसम यही पैगाम आपको सुना रहा हूँ। साइंस सिखाएं, मैथमेटिक्स सिखाएं, दुनिया भर के इल्म फन सिखाएं, मगर मैथमेटिक्स भी, जब बच्चा कहे मैं तो मैथमेटिक्स में दिल नहीं लगता, कहिए बेटा तुम्हें मालूम है मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो मौला अली कितना खुश होंगे। पढ़ लीजिए उठा के, उस ज़माने में जितने फैसले पेचीदा आते थे किसी से सिंपल मैथमेटिक्स भी हल नहीं होती थी, अली फौरन आँख बंद करके हल कर देते थे। एक से एक पेचीदा से पेचीदा मीरास का मसला, मीरास का मसला, मरने वाला मर गया, एक माँ छोड़ के गया, 12 भाई छोड़ के मरा, एक बहन छोड़ के मरा, एक बीवी छोड़ के मरा, अब वो एक फेहरिस्त है, और जनाब वाला तकसीम हुई और तकसीम के बाद वो जो बहन थी उसे एक दिरहम मिला, तो आई रोती हुई फरियाद लेके, काजी ने गलत फैसला कर दिया, काजी ने, या अमीर अल मोमिनीन फरियाद है, आप सवार हो रहे हैं, आप जा रहे हैं जंग के लिए, सवार हो रहे हैं, एक पैर रिकाब में रख चुके हैं, दूसरा पैर रखना चाहते हैं, उसने रिकाब थाम लिया, इसीलिए उलमाए अहले सुन्नत वल जमात ने इस मसले को मसले रिकाबिया नाम दिया है, इस मसले को मसले रिकाबिया नाम दिया है। यानी उस औरत ने रिकाब को थाम लिया, कहा या अमीर अल मोमिनीन मुझ पर बड़ा जुल्म हुआ है, कहा क्या जुल्म हुआ, कहा मेरा शौहर इतनी जायदाद छोड़ के मरा था, मेरा भाई इतनी जायदाद छोड़ के मरा था, इतना रुपया पैसा छोड़ के मरा था, मुझे एक दिरहम मिला है,
कहा अच्छा इसका मतलब यह है कि वो मरने वाला तुम्हारा भाई एक माँ छोड़ के मरा है, 12 भाई छोड़ के मरा है, एक तुम बहन हो, एक बीवी हो। कहा हाँ सही है। कहा बस तुम्हारा एक दिरहम हक है, खुदा हाफिज़।